हरिपुर थाना क्षेत्र के पिपरापुर मोहल्ला निवासी बसीर अहमद के परिवार में हुए विवाद के मामले में स्थानीय थाने में पंजीकृत मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त मोहम्मद फरीद पुत्र बशीर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र के पिपरापुर मोहल्ला निवासी बशीर अहमद ने 2 शादी की है और उसके 20 बच्चे हैं। दोनों पत्नियों के बच्चों में अक्सर विवाद हुआ करता है। इस संबंध में तिवारीपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसे फरार चले आरोपी अभियुक्त मोहम्मद फरीद को तिवारीपुर पुलिस ने डोमिनगढ़ के पास कंचनपुर तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक शत्रुजीत सिंह और पुष्पेंद्र तिवारी द्विवेदी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, एक बशीर अहमद जी हैं, उनके 2 पत्नियां हैं, तो एक पत्नी के 10 बच्चे और दूसरी पत्नी के भी 10 बच्चे, कुल 20 बच्चे हैं और एक ही घर में रहते हैं आपस में बंटवारा करके। और इन दोनों पक्षों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें गंभीर प्रकृति की चोटें आई थी और उसमें से एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दूसरे ये फरीद अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है।